जय हिंद भाई। तो कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार बोर्ड एकेडमी में। मैं हूं आपका भाई। चलो आज आपके आप बताने वाले हम इंग्लिश में ग्रामर सेक्शन जो आता है आप लोग का। टॉपिक है मेरा आज का टाइम एंड टेंस। क्या है मेरा टॉपिक? टाइम एंड टेंस। ठीक है, तो आप सभी लोग अपना कॉपी निकालिए और कॉन्सेप्ट को नोट करिए। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा, क्योंकि आजकल ऐसा बताते ही नहीं कि समझ में नहीं है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, बाकी आपका फर्ज है, जो करना करिएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। कहता है जब, कॉन्सेप्ट नंबर वन में कहता है जब सब्जेक्ट सेंटेंस में, जब सेंटेंस में क्या रहे? डेली रहे, नेवर रहे, ऑलवेज रहे। जब सेंटेंस में डेली दिखे, नेवर दिखे, या ऑलवेज दिखे, या एवरी डे दिखे, उसके बाद ऑलवेज दिखे, या जनरली दिखे, या ऑफन दिखे, इन सभी में से कोई भी दिख जाए तो आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। किसका यूज करना है मेरे भाई? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, अर्थात बोले तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? दो ही कॉन्सेप्ट है लिए हैं आज, और उसके लिए क्वेश्चन भी ले लिए प्रैक्टिस के लिए, ताकि मनोबल बना रहे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट दो कॉन्सेप्ट में। 8-9 है, 3-4 वीडियो में क्लियर हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो में। ठीक, आप लोग नोट जरूर बनाइएगा, यहाँ से आपका लगभग 7-8 नंबर आता है पेपर। ठीक, क्या कहता है? जब सेंटेंस में डेली रहे, नेवर रहे, यूजुअली रहे, ऑलवेज रहे, एवरीडे रहे, ऑलवेज रहे, जनरली रहे, ऑफन रहे। ठीक, ये सब दिखे तो आपको यूज करना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बोले तो सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट का। आगे ध्यान देना, लिखा हुआ है कहता यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ में भी हमें करना है प्रेजेंट इंडिफिनिट का ही प्रयोग, यानी वैसी चीजें जो पहले से निश्चित हों, वैसी चीजें जो पहले से, आवाज आ रही है ना सबको, वैसी चीजें जो पहले से निश्चित हो, उसी उसी में करना है हमको प्रेजेंट इंडिफिनिट। चलो कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक सेकेंड। चलो ठीक है, दिख रहा है सबको। कहता है क्या, अब देखो यहाँ बताए थे ऑलवेज, देखो तो यहाँ ऑलवेज मिला ना, तो जब ऑलवेज मिलेगा तो कौन से टेंस का? अब सब्जेक्ट देख लेंगे, ही सिंगुलर है, इसके साथ V5, सिंगुलर के साथ V5, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक, अब है माई बिलव्ड। बिलव्ड मतलब होता है प्रेमिका। क्लियर है? मेरी बिलव्ड, मेरी प्रेमिका ऑफन अक्सर खाली स्थान इन, यानी शाम में वो मिला करती थी। माई है तो सिंगुलर होगा, विजिट्स सबको पता होगा। अब देखो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। ले लिए कहता आइस खाली स्थान मेल्ट्स, सही बात है, यूनिवर्सल ट्रूथ के साथ प्रेजेंट इंडिफिनिट। और बर्फ है थर्ड पर्सन प्लूरल, सॉरी थर्ड पर्सन सिंगुलर, नापने तोलने वाली चीज़ हमेशा सिंगुलर होती है, इसलिए होंगे मेल्ट्स। नेक्स्ट द अर्थ यूनिवर्सल ट्रूथ, कहाँ घूमता है? सूर्य के चारों ओर, ये हो गया। बोलो यहाँ तक क्या दिक्कत? उम्मीद है समझ में आया होगा। नहीं समझ में आए वीडियो दोबारा देखिएगा, स्पीड में समझ में आ जाएगा। ठीक, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट नंबर दो में आप लोग कॉपी में नोट जरूर करिएगा, क्योंकि आपका आगे काम देगा। कहता है जब सेंटेंस में नाउ दिखे, टुडे दिखे, एट द मोमेंट दिखे, या टुमोरो दिखे। जब सेंटेंस में नाउ दिखे, टुडे दिखे, एट द मोमेंट दिखे, या टुमोरो दिखे, तो आपको यूज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। किसका यूज करना है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का, अर्थात सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो अभी बताए टुडे दिखेगा तो किसका यूज? ही के साथ इज प्लस V4, कॉन्सेप्ट में ये लिख दिए। उसके बाद कहते ही इट इज, अब देखो यहाँ नाउ है, तो नाउ है तो क्या देंगे? V4 हो गया, रेनिंग। नेक्स्ट है आर यू खाली स्थान, तो आर यू टुमोरो है, यहाँ कॉन्सेप्ट में टुमोरो भी लिए थे, ये देखो क्या देंगे? V4। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय। आप लोग शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे तो शेयर मेरे भाई जरूर करना, मेहनत लगता है बहुत।